सामान लेके हत्याकांड ये हुआ है। हाँ तो फिर वो टॉर्चर करता रहा। शादी हो गया बैकग्राउंड देखो जी आपको मैं जिसके घर से कोई चला जाता ना वो मतलब सुख शांति से नहीं बैठ। नमस्कार मैं हूँ राजवीर कुमार और आप देख रहे हो जागरूकता मीडिया। साथियों इस समय मैं रामायण के अंदर मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं रामायण का जो टोल है भाई कैमरामैन से को दिखा दे भाई एक बार। ये यहाँ पर आप टोल है आए दिन जो है सुर्खियों के अंदर रहता है। आपको पता होगा कभी किसान धरना देते हैं कभी किसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाता है। पीछे आपको देख सकते हैं हत्यारा भाई मनदीप मलिक जो बताया जाता है ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। अगर क्यों बैठे हैं आपको पता है कि आए दिन हर जगह पर हमको वारदात देखने को मिलती है कि भाई किसी ने किसी को मार दिया किसी ने किसी को मार दिया। तो आखिर कब तक ये चलेगा और कोई भी सुनवाई जो है हत्यारों को खिलाफ नहीं होती है। तो कैमरामैन सिंह को भाई आगे आ जा और जितने भी साथी यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे बातें करेंगे आखिर ये पूरा का पूरा हत्याकांड जो है कब स्टार्ट हुआ किस दिन हुआ और आज तक क्या कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। तो काफ़ी बुजुर्ग हैं चाचा ताऊ हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा ये जो हत्याकांड इसके बारे में बताओ किस समय हुआ था ये? ये जी मान ले के हत्याकांड ये हुआ है 3 तारीख को इसने मान ले कि पॉइजन लिया है। अच्छा पॉइजन लिया है। हाँ मान ले इस पर नोट्स डाल के गए आपकी जेब में। अच्छा और वो नोट डाल रखे है और मान ले वो लिया है 3-4 दिन मान ले हॉस्पिटल में दाखिल रहा है। तो इसको हत्या आप किस तरह से कहते हैं? मतलब उन्होंने जहर खाया है। जहर तो खाया है ना। हैं आत्महत्या हुई। हाँ तो फिर वो टॉर्चर करता रहा ना वो। अच्छा टॉर्चर करता रहा और उससे मान ले उसके साथ वो किया है। तो वैसे वो उन्होंने मतलब सुसाइड नोट छोड़ा है फिर। सुसाइड नोट उसकी जेब में मिला है। अच्छा हाँ उसकी वजह से वो हुआ है। अच्छा किस तारीख की बात है ये? 3 तारीख को तो उसने लिया है 4 तारीख को दाखिल किया 8 तारीख को ये एक्सपायर हो गया जी मेडिकल कॉलेज में मान ले दाखिल रहा है 8 तारीख को मान ले इसका वो है उसके नाम सुसाइड नोट छोड़ा गया। उसका नाम क्या है? मंदी मलिक और जे एस बग्गा। अच्छा उमरा से? उमरा से जे एस मलिक यो मलिक है। अच्छा। मंदी मलिक है और जे एस बग्गा है हिसार का। तो अभी तक कार्रवाई हुई इनके खिलाफ? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंटरोगेशन करने लग रही है पुलिस वाले भाई मान ले वो जुटाने लग रहे हैं सबूत उसके बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दे रखे है। गिरफ्तारी नहीं हुई है? गिरफ्तारी अभी तक कुछ नहीं हुई है किसी की भी। तो आप जिस टाइम ये मतलब कांड हुआ उसके बाद से आप यहीं पे बैठे हैं? हाँ यहीं पे बैठे हैं हम। अच्छा कौन कौन आ चुका है यहाँ पे? कौन कौन आया अभी तक? कोई मतलब आपके यहाँ पे MP MLA वगैरह आया हो? MLA बियाना साहब आए थे कल। अच्छा हाँ उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है पूरा मैं ये पूरा मुद्दा उठाऊंगा और मैं CM तक आपकी बात पहुँचाऊँगा मैं आपके साथ हूँ जो कानूनी कार्रवाई होगी वह पूरी करवाऊँगा। अच्छा जिनकी इन्होंने मतलब जहर खाया उनका नाम क्या था? रोशन लाल सनोप श्री संतराम। हाँ क्या करते थे वो? ये पेट्रोल पंप संचालक थे। अच्छा पेट्रोल पंप के मालिक थे। हाँ और इसका मंदी मलिक का इसमें थोड़ा हा बगैर लिखत के साझा था। अच्छा उसका लेन देन पर उसके पैसे मतलब पूरा ही हिसाब इसका कर दिया। पार्टनर था वो? पार्टनरशिप में आया हुआ था। हाँ जो कि 80 लाख में पंप बेच दिया उसका आधा हिस्सा वो ले गया पंचायत के थ्रू। उसके बाद उसका कोई लेना देना नहीं रहा। उसका लेना देना पूरा ख़त्म कर दिया पंचायत में लिखा गया। उसके बाद उससे पहले इस पर 3-4 ये बोले रखे थे चेक ब्लैंक 4 ब्लैंक चेकों में से एक ब्लैंक चेक मान ले इस 1,65,000 का निकाल लिया। जब तो नो बोला मैं इस पंचायत में दे दूंगा वो दिए नहीं उस दिन पंचायत में तो लेके नहीं आया। नो बोला भाई मैं आज तो नहीं ले रहा बाद में आपके चेक दे दूंगा वापसी ये बात भी कही हुई है। उसके बाद इसने 1,65,000 का तो इसने निकाल लिया और 1,5 लाख का उसमें लगा दिया हिप कोर्ट में जी। दूसरा चेक 5 लाख का लगा दिया भाई वो बाउंस हो गया। बाउंस होने से इसने मान लीजिए आत्महत्या की जी जी। तो पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है भाई हमें मालिक का पूरे कागजात पूरे वो इकट्ठे कर लेंगे सबूत का। जो टॉर्चर का मान लो कोई सबूत मिला कि भाई इस तरह से मतलब प्रताड़ित करते थे इसको टॉर्चर करते थे बस वैसे दम करता रहता था और आता था मान ली यहाँ आता था तो मान लो इसमें पंप है बाकी ये सबूत तो हमारे पास नहीं है पर लेकिन हमारे सामने कई बार मान ली उनका हो जाता था वो सारी आड़ मान ली यही करता औरों के साथ भी उसकी बहुत ऐसे काम कर रखे हैं। अंकल जी हम आए दिन देखते हैं हरियाणा के अंदर ऐसे बहुत सारे हत्याकांड देखने को मिलते हैं आए दिन होते हैं लेकिन प्रशासन और कानून जो है ना मौन रहता है कोई कार्रवाई नहीं करता तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? इसीलिए हम ये कहते हैं भाई मान लें कि सरकार की निंदा करते हैं भाई सरकार मान लें हमारे से वो करे
आ करके मान ले कि हमारा धरना उठाए, हमारा हमारी सहायता करे, हमारे को न्याय दिलाए जी। हम यही चाहते हैं जी। पुलिस की तरफ से अभी कोई दबाव नहीं है, सुन लो मेरी बात। पुलिस मनु करीब हम मान ले पूरे सबूत जमा करें, आपका केस पुट अप कर देंगे और जितनी हमारे से होगी उतनी हम आपकी सहायता करेंगे जी। हाँ, तो क्या लगता है न्याय मिलेगा हैं? न्याय तो देखो जी, मिलेगा ना मिलेगा वो तो आगे की बात है, अभी तो देखो हम तो आज तो करे बैठे हैं, आज इसी करके बैठे हैं भैया धरने पे। मैं मारे को पता था, मेरे को भी पता था, पता था। फिर ये नहीं कहा मैं बिल्कुल बस जमा वो आ गया एक्सपायर होने को जा रहा हूँ, इस बात का नहीं पता था। मतलब बहुत ज़्यादा तंग हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने कहा हाँ तंग हो चुका था बिल्कुल ही, मान लिया वो रहने लगे था। राम राम। हाँ जी, इनकी जो हत्या हुई इनकी उम्र कितनी थी? 52 साल थी। 52 साल। बच्चे वगैरह? 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है। शादी हो गई? लड़कियाँ शादीशुदा है और लड़का अभी शादी नहीं की है। हाँ जी। तो आप क्या कुछ प्रशासन से डिमांड करते हो? हमें न्याय चाहिए। आश्वासन देरी है, देखो कब मिलेगा कब नहीं। ये तो कानून नाम की या भाजपा सरकार इतनी गंदी सरकार है जी, बहुत ज़्यादा। यहाँ तो मतलब जो अमीर को अमीर बनाती जा रही है, गरीब को गरीब बनाती जा रही है, और जो छोटे तबके के लोग हैं उनकी अनदेखी की जा रही है जी। हाँ जी। अभी अगर कानून होता हमारे देश में तो जो सरस्वती कांड हुआ है, श्रद्धा कांड हुआ है, ये सब कांड नहीं होते, लेकिन अभी भी मुजरिम जो हैं जेल के अंदर वैसे मतलब बंद हैं, उनको सज़ा नहीं मिल रही है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे कानून के बारे में? कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। हमारे भारतवर्ष के अंदर भाजपा आने के बाद कानून ख़त्म हो चुका है। हाँ जी, कानून भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी कानून है, सब मिली जुली। 24 के अंदर चुनाव है अंकल जी, तो उसके बाद आप क्या किस रूप में मतलब देखते हो भाई, किस तरह से क्या कुछ होगा आगे इसका? हरियाणा में भाजपा साहब है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहोगे हत्याकांड के बारे में? ऐसा जी, कोई भी जो हिंसक अपराधी होता ना, ना वो कानून से डरता है, ना अपराध के जो उसके गुण निकलेंगे उनसे डरता है जी। जी। और मंदीप मलिक उन्हीं में से एक है जी। ठीक है जी, इसमें कोई दोराय नहीं है कि कानून। मंदीप मलिक इसका बैकग्राउंड कैसा है? बैकग्राउंड देखो जी, आपको मैं असल बात बताऊँ। देखो जी, बीजेपी का इसमें क्या कहें, जब कोई अपराध करे है जी। तो कोई भाई देश का जो मुख्य आदमी है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, वो तो कहता नहीं तो अपराध कर। बिल्कुल। ये तो जो मतलब गैर जिम्मेवार इंसान होते ना, जिनको सिर्फ अपनी अपनी परवाह होती है, ये वो इंसान है, कुछ भी नहीं है, जीरो आदमी है, कोई समस्या नहीं, उसको कानून बिल्कुल आज नहीं दो कल सजा उसको जरूर मिलेगी, हम इतना बताए। हमें तब तक धरना बैठे बस अपने। ठीक है जी, आपको क्या लगता है कार्रवाई पूरी हो जाएगी? कार्रवाई देखो जी, कानून पे विश्वास है और कार्रवाई जरूर होगी, 100% होगी। मतलब पुलिस प्रशासन पे और देश की न्याय प्रणाली पे हमें पूरा विश्वास है। तो आप अभी तो धरना दे रहे हो, आप इसका मकसद क्या है? मकसद देखो जी, पता क्या है, जिसके घर से कोई चला जाता ना, वो मतलब सुख शांति से नहीं बैठ सकता, उसका दर्द है। हमें हमारा परिवार का एक हिस्सा गया है और जो मुजरिम है वो भाग रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है कहीं कहीं, तो उसको जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम शांतिपूर्ण मतलब ढंग से यहाँ बैठे हुए हैं जी। ठीक है जी। हाँ, अगर न्याय नहीं मिलता है तो? देखो जी, न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे की जो कार्यप्रणाली है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो सैन समाज के प्रधान है, या फिर हमारे जो 36 बिरादरी का जो 7 वास का निर्णय लेके हम अगला कदम उठाएंगे जी। हाँ, ठीक है जी। तो साथियों, सभी के विचार आपने सुन लिए कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, और अगर न्याय नहीं मिला उसके बाद भी तो हम जो है कड़ा रुख अपनाएंगे, उसके बाद जो है क्या कुछ कार्रवाई होती है वो आपको दिखाते हैं। तो ये हत्याकांड जो है आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, तो ये आखिर क्यों है? क्योंकि हमारा कानून जो है वो सख्त नहीं है, हमारा पुलिस प्रशासन वो ढीला है। तो आपको इसके बारे में क्या कुछ कहना है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।